हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. दिस इज़ रोहित कुमार एंड चैप्टर ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, सो अंडर दिस चैप्टर विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स. लाइक द फर्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. इसके अंडर विल स्टडी फॉलोइंग मेथड्स लाइक नेचुरल मेथड्स, देन बैरियर मेथड्स. यहाँ पे इन मेथड्स के कुछ सब टाइप्स भी हैं विच विल स्टडी इन डिटेल्स. देन थर्ड वन इज द इंट्रायूटरिन डिवाइसेस. फोर्थ वन वी हैव केमिकल मेथड्स एंड सो ऑन. Okay, so 9 to 10 methods we are going to cover in this topic. Second, we have abortion and medical termination of pregnancy. This is followed by amniocentesis and infertility. And at the end, we'll cover assisted reproductive techniques and sexually transmitted disease. Okay, so let's start with the chapter. Very first topic we are going to cover are the methods of birth control. So there are some characteristics which should be present in the birth control methods. For example, they should be very effective, they should be user friendly also, then there should be no side effect, koi side effect bhi nahi hona chahiye unka, easy availability honi chahiye and reversibility should be easy. Means what, jab tak unhe use karenge, wo pregnancy ko avoid karenge, lekin jaise hi inka use discontinue ho jayega, one can attain pregnancy again. Okay, so the very first method of birth control we have is natural method. मतलब कि कुछ नेचुरल मीन्स होंगे जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं. इसके अंडर भी सब टाइप्स होते हैं कि सर किस किस नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड. सो द वेरी फर्स्ट वन इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड. इसे सेफ पीरियड भी बोलते हैं और इसे रिदम मेथड भी बोलते हैं. देखो, इन लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डे ऑफ ओव्यूलेशन होता है इट इज 14 डे. अगर ये 0 से 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज अराउंड 14th डे ओव्यूलेशन होता है, राइट? और ओव्यूलेशन के बाद ही कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है ना. तो जो सबसे पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड, इसमें क्या करते हैं, इसमें ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले और ओव्यूलेशन से 2-3 दिन बाद जो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसे अवॉइड करते हैं. अब ऐसा क्यों सर, 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद? हमने रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जो स्पर्म की लाइफ होती है इट इज फ्रॉम 48 to 72 आवर्स इन फीमेल बॉडी. मतलब एक बार डिपॉजिट होने के बाद स्पर्म्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 48 to 72 आवर्स. सो देखो, सपोज 13th डे या 14th डे स्पर्म डिपॉजिट हुआ, सो यहाँ से वो 15th, 16th और मैक्स टू मैक्स 17th डे तक सर्वाइव कर सकते हैं. हो गए ना 72 आवर्स, तो हमने इसका अपर लिमिट ले लिया 17. तो इसी तरीके से सपोज अगर 10th डे स्पर्म डिपॉजिट हुआ है वो 13th डे तक फिर सर्वाइव कर जाएगा. सो इसमें लोअर लिमिट हम ले लेते हैं 10. तो इन टोटल जो ये पीरियड आता है ना दैट इज फ्रॉम 10 to 17 डेज कि जिसमें कोइटस और कॉपुलेशन अवॉइड करना चाहिए. ओके, और इसी पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, फर्टाइल पीरियड. तो अगर प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो फर्टाइल पीरियड में कॉपुलेशन होना चाहिए. अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो फर्टाइल पीरियड में कॉपुलेशन या कोइटस अवॉइड करना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? So this is about rhythm method, safe period or periodic abstinence. Then come to second method. This is known as coitus interruptus. इसको withdrawal method भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें penis का withdrawal हो जाता है out of vagina before insemination. मतलब कि sperms का deposition ही नहीं होता female की body में. Again pregnancy can be avoided. But at the same time it is related with maximum failure. ओके, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेचुरल मेथड्स में से विच वन इज रिलेटेड विद मैक्सिमम फेलियर. दिस इज विदड्रोल मेथड और कोइटस इंटरप्टस. थर्ड वी हैव इज लैक्टेशनल एमिनोरिया. देखो यहाँ से टर्म से ही पता चल रहा है, लैक्टेशनल रेफर्स टू व्हाट, मिल्क सिक्रेशन. एमिनोरिया रेफर्स टू व्हाट, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो इसमें क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी 1 to 6 मंथ जो ये ड्यूरेशन है आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब 6 महीने तक क्या होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, देर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो वहां पे कोई ओव्यूलेशन नहीं है, और अगर ओव्यूलेशन नहीं है तो कोई भी
ओवम नहीं है, मतलब फीमेल गैमेट नहीं है। अगेन अगर स्पर्म्स का डिपोजिशन हो भी गया तो फीमेल गैमेट अवेलेबल ही नहीं है, मीन्स देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। नाउ अब सर ये प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं होती है? एक्चुअली ये पीरियड होता है इंटेंस लैक्टेशन का, ये लिखा है मैंने। तो जो इंटेंस लैक्टेशन होता है उसमें एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जिसका लेवल बहुत हाई होता है। प्रोलैक्टिन, यू नो दैट कि प्रोलैक्टिन इज नोन एज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो जब इंटेंस लैक्टेशन होगा तो जाहिर सी बात है प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टिन का ज़्यादा लेवल गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू दी LH, और अगर LH नहीं हुआ तो यू नो दैट LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट। ये LH सर्ज ही तो था जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, राइट? तो जब ओवुलेशन नहीं होगा सो देयर विल बी नो फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट नहीं होगा तो अगर स्पर्म्स डिपॉजिट भी हो गए हैं देन ऑल्सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दीज आर 3 नेचुरल मेथड्स वाया वन कैन अवॉइड प्रेगनेंसी, हेंस दे आर नोन एज व्हाट, नेचुरल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। देन सेकंड मेथड वी हैव इज बैरियर मेथड। बैरियर नाम से पता चल रहा है कुछ बैरियर आने वाला है। अब सर किसके बीच में आने वाला है? भाई जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी रोकना है, फर्टिलाइजेशन रोकना है, सो हमें कहीं ना कहीं स्पर्म्स एंड ओवम का फ्यूजन रोकना पड़ेगा, है ना? मतलब कि स्पर्म एंड ओवम के बीच में बैरियर क्रिएट करना है, ये लिखा है हमने यहाँ पे। लाइक व्हाट? दीज मेथड्स प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। किस किस तरीके से अचीव किया जा सकते हैं? वेरी फर्स्ट वन इज कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं, बोथ फॉर मेल ऑल्सो एंड फॉर फीमेल ऑल्सो। फीमेल कॉन्डोम्स आर नोन एज फैम शील्ड्स और फैमिडोम। यहाँ पे आई हैव पेस्टेड द पिक्चर्स ऑल्सो, लाइक दिस वन इज द पिक्चर ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल एंड दिस इज द फैम शील्ड और फैमिडोम विच इज नथिंग बट कॉन्डोम फॉर फीमेल्स। ओके, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये स्पर्म और ओवम का कॉन्टैक्ट तो रोकते ही हैं, एट द सेम टाइम दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs ऑल्सो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो जाती हैं। ओके, सो दे आर द ओनली मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो कहीं ना कहीं STDs को भी प्रिवेंट करता है। ओके, देन अदर बैरियर मेथड्स में वी हैव डायाफॉर्म, वी हैव सर्वाइकल कैप्स एंड वी हैव वॉल्ट्स। ये तीनों ही मेथड्स फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ओनली फॉर फीमेल्स। इसमें क्या होता है, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सो दैट दे कैन कवर द सर्विक्स, और सर्विक्स अगर कवर हो जाएगा तो स्पर्म की फर्दर एंट्री नहीं होगी, हेंस दे ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म वाया सर्विक्स। तो स्पर्म कभी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी देयर विल बी देन नो फर्टिलाइजेशन। सो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वन कैन अवॉइड प्रेगनेंसी। सो जैसा कि मैंने बताया कि STD से प्रिवेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम देते हैं, हालांकि डायाफोम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स ये भी बैरियर मेथड्स में आते हैं, बट स्टिल दे डोंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs। सो याद रखना है कि ओनली कॉन्डोम्स कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम STDs। देन द नेक्स्ट वन इज केमिकल मैथड। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज होगा। तो केमिकल्स में क्या क्या कैटेगरी हो सकती है? इसमें कुछ क्रीम्स भी हो सकती हैं, कुछ टेबलेट्स भी हो सकती हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट की जाती हैं, कुछ जेलीज भी हो सकती हैं, एट द सेम टाइम कुछ पेस्ट भी हो सकता है। इसे भी अगेन जेनिटल्स पे यूज किया जाता है। इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है, दिस इज नोन एज स्पॉन्ज टुडे। ओके, स्पॉन्ज टुडे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टुडे ब्रांड का आता है। इसमें केमिकल क्या होता है? इट हैज नॉन ऑक्सिनॉल 9। एंड इस केमिकल का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? इट एक्चुअली किल्स द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, डायरेक्टली पूछा है कि स्पॉन्ज किस तरीके से एक्ट करता है। सो दे एक्चुअली किल स्पर्म्स बाय डिसरप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इंट्रायूटरिन डिवाइसेस। ये कैसे काम करते हैं? दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। यूट्रस में जो स्पर्म्स की एंट्री होती है उनका फेगोसाइटोसिस ये कर देते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ IUDs विद इन 72 hours ऑफ कॉपुलेशन कैन प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। मतलब कि अनवांटेड कॉपुलेशन के अगर विद इन 72 hours में IUDs का इंसर्शन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इम्प्लांटेशन मतलब वही चीज़, आगे जायगोट या एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा। सो इस बेसिस पे वी कैन से दैट कि दे कैन एक्ट एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
ओके सो विद इन 72 आवर्स में इनका इंसर्शन एक्ट सेज व्हाट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. ओके देन इंडिया में दे आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स. इसके अंडर वी हैव थ्री टाइप्स, तीन कैटेगरी होती है इनकी. फर्स्ट वन इज द इनर्ट वन. इनर्ट मीन्स उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, दे आर नॉन मेडिकेटेड. इसका एग्जाम्पल पूछते हैं डायरेक्टली, एग्जाम्पल इज लिप्स लूप. ओके देन सेकेंड कैटेगरी इज दिस इज नोन एज कॉपर रिलीजिंग. नाम से पता चल रहा है दीज आईयूडीज विल रिलीज कॉपर. तो इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, वन इज कॉपर टी, कॉपर सेवन. ये उनकी शेप पे बेसिस है. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम दिया है, दिस इज नथिंग बट कॉपर टी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे टी शेप्ड बना हुआ है. देन इसी में वेरिएंट्स होते हैं कुछ, लाइक फर्स्ट वन इज मल्टी लोड CuT 375 एंड सेकेंड इज मल्टी लोड CuT 380. जो 375 होता है ये 3 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है, 380 जो होता है ये 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है. ठीक है, थर्ड वन वी हैव इज हॉर्मोन रिलीजिंग. अगेन एज नेम सजेस्टिंग ये कुछ हॉर्मोन रिलीज करेगा. इसमें क्या एग्जाम्पल होते हैं, वी हैव LNG 20 एंड प्रोजिस्टासर्ट. दोनों एग्जाम्पल आते हैं भाई, डायरेक्टली पूछेगा विच वन इज हॉर्मोन रिलीजिंग IUD. ओके इन दोनों में क्या होता क्या है सर, कौन सा हॉर्मोन होता है, दे हैव प्रोजेस्टिन एंड वट इज प्रोजेस्टिन, दिस इज सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन. ये सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है, मतलब कि आर्टिफिशियल प्रोजेस्ट्रॉन है. ठीक है, इन हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs का और कॉपर रिलीजिंग IUDs का मोड ऑफ एक्शन आता है भाई, NCERT ने अलग अलग स्पेसिफाई किया है. लाइक जो कॉपर रिलीजिंग IUD है वो स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगा, और जैसे ही स्पर्म की मोटिलिटी कम होगी डेफिनेटली विल से लाइक इट विल रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम. यस और नो भाई, वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक अगर नहीं पहुंच रहा है मतलब कि उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है. देन हॉर्मोन रिलीजिंग के एक्शंस क्या होते हैं, दे इनहिबिट ओवुलेशन, एट द सेम टाइम दे मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को अनसुटेबल बना देंगे. एंड द थर्ड वन इज दे मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म्स, मतलब अगेन स्पम्स के अगेंस्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे. क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द IUD. ये तीनों इनके टाइप आर इम्पोर्टेंट, इनका मोड ऑफ एक्शन इज इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इनके एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट. देन वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी, इट इंक्लूड्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इनकी कंपोजिशन क्या क्या हो सकती है, दे कैन हैव बोथ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन एंड दे कैन हैव ओनली प्रोजेस्ट्रॉन. एंड इनका मोड ऑफ एक्शन, ये जो मोड ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल सेम है जो कि ऊपर हमने हॉर्मोन रिलीजिंग का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है. लाइक व्हाट, दे अगेन इनहिबिट ओवुलेशन, देन दे मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, देन दे मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म्स, है ना. सो एक का याद कर लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं, हॉर्मोन रिलीजिंग भी उसी तरीके से एक्ट कर रहे हैं. नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में वी हैव टू टाइप्स, वन इज कंबाइंड पिल्स एंड वन इज मिनी पिल्स. कंबाइंड पिल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन है किसका, दोनों का, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. मिनी पिल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. कंबाइंड पिल्स एट द सेम टाइम दे हैव टू बी टेकन डेली, उनका इनटेक डेली होता है. एंड मिनी पिल्स दे आर टेकन वंस इन अ वीक. यहाँ पे NCERT का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन दी फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो वो दोनों थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग NCERT से देख लेना. ठीक है, देन कंबाइंड पिल्स के एग्जाम्पल्स में वी हैव माला डी एंड माला एन. ये माला इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रिंग्स है ना, लाइक ऐसे मोती होते हैं ना जो, उस तरीके से ये इस फॉर्म में अरेंज्ड होंगी तो इसीलिए उनको माला डी या माला एन बोला जाता है. डी केमिकल के नाम पे है, दिस इज डेसोगेस्ट्रल. एन अगेन केमिकल के नाम पे है, दिस इज लेवोनोरगेस्ट्रल, जो ऊपर लिखा था हमने. LNG का फुल फॉर्म क्या होता है मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज नथिंग बट लेवोनोरगेस्ट्रल. ठीक है भाई, ये होता है LNG. नाउ जो मिनी पिल्स है इसका एग्जाम्पल इज सहेली.
एंड सहेली में खास बात क्या है, ये एक नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, और कौन सा केमिकल इसमें यूज किया गया है, दिस इज सेंट क्रोमेन. सेंट क्रोमेन इज अगेन अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. बट सर यहाँ तो आपने लिखा है कि इनमें प्रोजेस्ट्रॉन होता है. हाँ, जनरली सभी मिनी पिल्स में प्रोजेस्ट्रॉन होता है. सहेली एक ऐसा मिनी पिल बनाया गया जिसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट क्रोमेन. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सर, सहेली एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन इनिबिट कैसे करेगा, बाय ब्लॉकिंग दी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज बीन आस्क्ड कि सहेली किस तरीके से काम करते हैं. भाई सहेली इम्प्लांटेशन रोकेगा, कैसे रोकेगा, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा. पढ़ा था ना हमने, जो एस्ट्रोजन होता है ये एक प्रोलीफरेटिव हॉर्मोन है, और प्रोलीफरेटिव हॉर्मोन का मतलब ये एंडोमेट्रियम को प्रोलीफरेट कराएगा. ये सब चीज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं. एंडोमेट्रियम का प्रोलीफरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये. ओके, और जब एंडोमेट्रियम प्रोलीफरेट ही नहीं हो पाएगा तो इम्प्लांटेशन फिर कहाँ पे होगा. ओके, सो इस तरीके से सहेली क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का प्रोलीफरेशन रोक देता है, एंड हेंस देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन. नेक्स्ट वी हैव आर दी इम्प्लांट्स. अगेन दे आर सम हॉर्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, बट दे आर इम्प्लांटेड बिलो स्किन. इन्हें बोलते हैं सबडर्मली, है ना, इसको ब्रैकेट में कर लेना. तो स्किन के नीचे इनका इम्प्लांटेशन होता है. इसमें दो एग्जाम्पल्स, वन इज नोरप्लांट, वन इज इम्प्लानोन. नोरप्लांट में क्या होता है भाई, इसमें 6 सिलीसियस कैप्सूल होते हैं. ये डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो कई बार वो डायग्राम दे के पूछ लेते हैं, बताओ भी किसका फिगर है. इसमें जो केमिकल होता है, अगेन लेवोनोरगेस्ट्रल. इम्प्लानन में क्या होता है, इट्स अगेन अ सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर. इसका केमिकल 3 कीटो डेसोगेस्ट्रल. केमिकल्स एनसीईआरटी ने नहीं दिए हैं, तो अगेन आप लोगों को याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. हाँ, कभी क्वेश्चन करो तो रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सेवंथ वन वी हैव, दिस इज इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव. नाम से पता चल रहे हैं, दे आर इंजेक्टेड. इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, लाइक दे इंक्लूड साइक्लोफैम एंड मेसिग्ना. तो ये दोनों ही एक साथ इंजेक्ट किए जाते हैं, और इनका कंपोजिशन क्या होता है, अगेन दे कंटेन प्रोजेस्टिन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रोजेस्टिन क्या है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन. इनको हम डेपोप्रोवीरा भी बोलते हैं, और दे आर इंजेक्टेड वंस एवरी मंथ. देन नेक्स्ट वन वी हैव इज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. अब अगेन एमरजेंसी मतलब अनवांटेड कॉपुलेशन को अवॉइड करने के लिए एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है. तो एक तो ऊपर देखा था हमने, IUDs को यूज कर सकते हैं. सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखा है मैंने, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ IUDs विद इन 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव. ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. ओके, कुछ ड्रग्स होती हैं जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज लाइक मिफप्रिस्टोन. ये क्या करते हैं, ये प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है. और आप लोगों को अगर याद है तो जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, है ना. एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हॉर्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन, और अगर प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर ब्लॉक हो गए मीन्स अब प्रोजेस्ट्रॉन काम नहीं कर पाएगा. प्रोजेस्ट्रॉन काम नहीं करेगा तो मीन्स एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो एंडोमेट्रियम की स्लगिंग हो जाती है, पूरा एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाता है. और जब एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगा तो कहाँ से इम्प्लांटेशन होगा. आ रही बात समझ में. तो मिफप्रिस्टोन क्या करेगा भाई, प्रोजेस्ट्रॉन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा ताकि प्रोजेस्ट्रॉन काम ना कर सके. और प्रोजेस्ट्रॉन का रोल ही क्या था, इट वाज मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम. अब एंडोमेट्रियम मेंटेन हो नहीं पाएगा, एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाएगा, तो अगेन देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन एंड हेंस प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड. ओके, नेक्स्ट मेथड वी हैव इज स्टरलाइजेशन मेथड. स्टरलाइजेशन मेथड को ही हम सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं. ये परमानेंट मेथड्स है बर्थ कंट्रोल के. जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स में लिखा था कि दे शुड बी रिवर्सिबल. वो क्या होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए. ये एक ऐसा मेथड है जो रिवर्सिबल नहीं है. तो यहाँ पे वील से लाइक दे आर परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. एक्ट कैसे करती हैं ये, दे एक्ट बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट.
इसमें गैमेट प्रोड्यूस जरूर होगा लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो अगेन जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा एप्रोप्रिएट साइट पे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसके अंडर वी हैव टू कैटेगरीज, वन इज वैसेक्टोमी, सेकेंड इज ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास डेफरेंस का एक पार्ट कट कर दिया जाता है और उसके बाद जो दो पार्ट बनते हैं उनको सेपरेटली लाइगेट कर दिया जाता है। ये है इसका डायग्राम, देखो लाइक इस जोन में हमने वास डेफरेंस को कट किया और उसके बाद दोनों पार्ट्स को सेपरेटली लाइगेट कर दिया। सो दिस इज वैसेक्टोमी, ये मेल्स के लिए होता है, दिस इज फॉर मेल्स। फिर ट्यूबेक्टोमी में भी यही करते हैं, फैलोपियन ट्यूब का देखो ये वाला पार्ट हमने कट किया एंड जो दो फिर एंड बनते हैं उनको सेपरेटली वी लाइगेटेड। यस और नो? सो यही सब लिखा है इसमें, लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड लाइगेटेड वाया एन इंसिजन थ्रू वेजाइना और एब्डोमेन। आ रही बात समझ में? सो कई बार वो डायरेक्टली डायग्राम देके पूछ लेता है कि बताओ दिस डायग्राम इंडिकेट्स ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ये ट्यूबेक्टोमी किसके लिए हो जाएगा, दिस वन इज फॉर फीमेल्स। ओके, सो इन मेथड्स के रिगार्डिंग जैसा मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि दीज मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये इफेक्टिव जरूर हैं बट इनका रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। देन नेक्स्ट वी हैव इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब कि फुल टर्म से पहले ही जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है उसका एक्सपल्शन कर देना, मतलब उसे यूट्रस से रिमूव कर देना। लाइक इट इज प्री मेच्योर एक्सपल्शन ऑफ कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द यूट्रस। कॉन्सेप्शन इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? सो जो भी एम्ब्रियो फीटस था उसका प्री मेच्योर एक्सपल्शन करना इज नथिंग बट इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसमें भी द सेम ड्रग इज यूज, दिस इज मिफप्रिस्टोन एंड वी नो दैट मिफप्रिस्टोन एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मिफप्रिस्टोन का दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज RU486। सो दिस इज रिगार्डिंग दी मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। 10 मैथड्स पढ़े हमने और कुछ मैथड्स के सब टाइप्स भी पढ़े हमने। सो पूरा कंटेंट इज फ्रॉम NCERT, इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज है इस चैप्टर का। ओके, देन सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज MTP, फुल फॉर्म इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है भाई, यहाँ पे हम वॉलंटरी टर्मिनेट करा देते हैं प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म। सो अगेन मोर और लेस ये कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड एबोर्शन जैसे लग रहा है ना, बट एबोर्शन जो है इट इज एक्चुअली इलीगल। जो MTP है वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पे होती है, तो इसको लीगलाइज्ड किया हुआ है कि MTP कब परफॉर्म किया जा सकता है। तो एक डेटा है, डेटा क्या है कि नॉर्मली 40 से 50 मिलियन MTP होते हैं एक साल में एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज कंसीव्ड इन ए ईयर। भाई थ्रू आउट वर्ल्ड जितना प्रेगनेंसी एक साल में अचीव होता है उसका 1/5, दैट इज 40 से 50 मिलियन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है ना? तो इस बेसिस पे वी कैन से दैट कि MTP हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, है ना भाई? MTP नहीं होता तो 40 से 50 मिलियन और बर्थ होते, MTP हो गया तो वी कैन से दैट कि इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। बट देखो इनडायरेक्टली MTP इज डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, बट जो MTP का इंटेंशन होता है, जो पर्पज होता है ना, वो कभी भी ये नहीं है कि पॉपुलेशन डिक्रीज करने के लिए MTP कर दिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आई हैव रिटन ऑल्सो कि however MTP इज नॉट मेंट फॉर दैट। सर फिर MTP के क्या ग्राउंड्स हैं, मतलब कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे MTP किया जाता है? देखो MTP परफॉर्म कब किया जाएगा, व्हेन समवन वांट्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है एंड सेकंड व्हेन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल आइदर फॉर मदर और फॉर फीटस और फॉर बोथ, ठीक है? तो ये स्पेशल ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे MTP किया जाता है, है ना? डजेंट मीन कि MTP का पर्पज इज टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। हालांकि इन ग्राउंड्स के बेसिस पे जितना भी MTP होता है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, बट उसका इंटेंशन कभी भी ये नहीं है कि MTP आर एक्चुअली परफॉर्म्ड टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। सो इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट।
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज्ड कर दिया था 1971 में। अभी रिसेंटली ये 2017 में इसको अमेंड किया गया है ना, इसमें कुछ अपडेट कर दिया गया है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि एमटीपी इज सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि 3 महीने तक एमटीपी इज सेफ। अगर ये ग्राउंड्स हैं कहीं ना कहीं तो 3 महीने तक एमटीपी करवाई जा सकती है, इट इज सेफ। बट इट कैन बी परफॉर्म्ड अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड है, ये है ना, ये रिस्क एसोसिएटेड है, मतलब कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो अगर सेफ साइड देखें तो 12 वीक्स तक एमटीपी इज सेफ, बट अगर 12 वीक्स के बाद भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि एमटीपी करवाना है, सो मैक्स टू मैक्स 24 वीक्स तक एमटीपी को किया जा सकता है। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज सेफ अप टू 12, बट इट कैन बी डन अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ अगर 12 वीक्स से पहले एमटीपी कराना है तो आपको ओपिनियन लेना होगा एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, है ना, तो यहाँ पे नंबर दे रखा है उन्होंने। और अगर 12 से 24 वीक में एमटीपी कराना है तो आपको ओपिनियन लेना होगा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सब क्वेश्चन आते हैं भाई कि कौन से वीक तक सेफ होती है, कौन से वीक तक करवाई जा सकती है, क्या इसके ग्राउंड्स होते हैं, एंड कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। भाई 12 तक एक की ज़रूरत है, एक का ओपिनियन लेना पड़ेगा आपको। 12 से 24 तक आपको 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन स्विच टू द थर्ड टॉपिक, दिस इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस इज टू आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एग्जांपल लाइक फिनाइल कीटो यूरिया, एल कैप्टोन यूरिया एटसेट्रा। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, कॉन्जेनाइटल मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट है, इसमें आ जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सो देखो इन दोनों की तो डिटेलिंग मैंने यहीं कर दी है। क्लाइनफेल्टर क्या बोलते हैं, इट अकर्स ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। तो उस इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी उसमें, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XXY। एंड डाउन सिंड्रोम में क्या होता है भाई, ट्राइसोमी हो जाएगी यहाँ पे 21st क्रोमोसोम की, ठीक है। तो हालांकि ये कंटेंट आप पूरा जेनेटिक्स में पढ़ते हो, मैंने ब्रीफली बता दिया है कि क्लाइनफेल्टर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम क्या होगा। ब्रीफली मैंने थोड़ा सा फिनाइल कीटो यूरिया और एल कैप्टोन यूरिया को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगेन ये चीज़ें आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। सो फिनाइल कीटो यूरिया क्यों होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो फिनाइल अलनिन होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, दिस इज फिनाइल अलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, है ना, ये वाला एंजाइम फिनाइल अलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इट कन्वर्ट्स फिनाइल अलनिन इनटू टायरोसिन, ठीक है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गया तो भी ये वाला कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, उल्टा क्या होता है, फिनाइल अलनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल कीटोन, ठीक है, एंड इट देन कम्स इनटू यूरिन। तो मैंने यही चीज़ लिखी है, लाइक इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल अलनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल कीटोन एंड इट देन कम्स इनटू यूरिन, इट देन कम्स वाया यूरिन, ओके। सो दिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। देन एल कैप्टोन यूरिया में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जो होमोजेनेस्टिक एसिड होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, है ना, दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड इनटू टायरोसिन। इस एंजाइम के एब्सेंस में जाहिर सी बात है भाई ये वाले रिएक्शन फिर से नहीं हो पाएगी, कि होमोजेनेस्टिक एसिड का कन्वर्जन नहीं होगा टायरोसिन में, तो क्या हो जाएगा फिर, होमोजेनेस्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, इसका कन्वर्जन नहीं हो रहा तो होमोजेनेस्टिक एसिड अक्यूमुलेट होगा, और अक्यूमुलेट होने के बाद अगेन इट विल कम आउट वाया यूरिन, और जैसे ही इस यूरिन का एक्सपोजर होता है एयर के साथ, दिस यूरिन कन्वर्ट्स ब्लैक इन कलर। इसलिए एल कैप्टोन यूरिया को कई बार हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। तो देखो सिंपल है, होमोजेनेस्टिक एसिड का टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हुआ,
तो होमोजेनेस्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट होने के बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, और जैसे यूरिन का एयर के साथ कॉन्टैक्ट होता है दैट यूरिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक इन कलर, हेंस द डिजीज दैट इज एल कैप्टोन यूरिया इज ऑल्सो नोन एज व्हाट ब्लैक यूरिन डिजीज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बैक टू द टॉपिक, जो एमनियोसेंटेसिस हमने स्टार्ट किया था कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, ये करते क्या है सर, क्या होता है इसमें? ये एमनियोसेंटेसिस में हम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वहाँ से कुछ सेल्स निकालते हैं और उनका क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी करते हैं। सो आई हैव रिटन कि इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बेसिस पे हम बताएंगे भी किसका ट्राइसोमी है, कौन एक्सेस हो गया है, कौन डेफिशिएंट हो गया है, ठीक है। बट एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज भी है एक, और मिसयूज क्या है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई सेक्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस ऑब्लिक एम्ब्रियो। ओके, सो यहाँ पे आई हैव रिटन कि इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड टू नो द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस, एंड इन केस ऑफ फीमेल फीटस इट इज़ फॉलोड बाय टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस मिसयूज की वजह से ना एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया है, इट हैज बीन बैंड, ठीक है भाई। नाउ एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है सर, इट इज यूजुअली डन बिटवीन 14 टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस यूज किया जा रहा है इन पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, इसका जो मिसयूज है वो बैन हो चुका है। नाउ अब एक टर्म आती है PUBS, पब्स इसे बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कोड ब्लड सैम्पलिंग। ये कब किया जाता है, जब हमें एमनियोसेंटेसिस से प्रॉपर डिटेल नहीं मिला तो उससे एक एडवांस टेस्ट पे हम जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, पब्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट एग्जामिन्स ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड टू डिटेक्ट फीटल एबनॉर्मैलिटीज, एंड अगेन इट इज डन व्हेन इंफॉर्मेशन कैनॉट बी ऑब्टेन्ड वाया एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड। तो वही चीज़ है भाई, एमनियोसेंटेसिस से इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, पब्स के लिए जाएंगे ताकि डिटेक्ट किया जा सके कि फ्यूटस में कोई एबनॉर्मैलिटीज है या नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स वट, फेलियर टू कंसीव विद इन वन और मोर ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। मतलब कि विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर कॉपुलेशन या कोइटस हो रहा है और फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो उसको हम बोलेंगे क्या, वो इनफर्टिलिटी हो गई है ना। इसमें दो टाइप होते हैं, वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स दोज हु नेवर कंसीव, मीन्स कि ये क्या थे, ये स्टेराइल थे, है ना। स्टेराइल मीन्स व्हाट, यहाँ पे कभी भी गैमेट प्रोड्यूस हुए नहीं, गैमेट नहीं बने। ओके, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज नथिंग बट स्टरलिटी। स्टरलिटी होती है ना, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस गैमेट। दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, दे वर फर्टाइल अर्लियर बट लेटर दे बिकम इनफर्टाइल। अर्लियर उनमें गैमेट प्रोडक्शन था, गैमेट का नंबर भी प्रॉपर था, बट बिकॉज ऑफ सम reasons ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ दे हैव बिकम what, इनफर्टाइल। ओके, तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देन कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक मेल्स में एक टर्म यूज की जाती है, दिस इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स। हमने पढ़ा था ना कि एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और इनमें से कहीं ना कहीं एक स्पर्म पहुंचता है ओवम के पास। सो डेटा वाइज क्या हो जाएगा भाई, 200 से 300 मिलियन तो नॉर्मल एक इजैकुलेशन में होते हैं, दैट इज इन 2.5 to 5 ml ऑफ सीमेन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो उसके एक एमएल सीमेन में 50 मिलियन स्पर्म्स होंगे। नाउ ओलिगोस्पर्मिया कब कंसिडर करेंगे, जब एक एमएल ऑफ सीमेन में स्पर्म काउंट हो जाएगा लेस देन 20 मिलियन, तो उस कंडीशन को हम क्या कंसिडर करेंगे, ओलिगोस्पर्मिया। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा होते हैं एजोस्पर्मिया।
एजोस्पर्मिया में इससे भी कम हो जाएगा. तो यहाँ पे आई हैव रिटन कि व्हेन नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमेन. ओलिगो में तो 1 ml में 20 million से कम आया, इसमें 1 ml में 10.5 million से भी कम आ जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं नाउ द कंडीशन इज नोन एज एजोस्पर्मिया. थर्ड कंडीशन वी हैव, दिस इज एस्थिनोजूस्पर्मिया. एस्थिनोजूस्पर्मिया में स्पर्म्स की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है. अब देखो जितना इम्पोर्टेंट नंबर है उतनी ही इम्पोर्टेंट मोटिलिटी भी है. अगर नंबर सफिशियंट है लेकिन स्पर्म्स प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे नहीं पहुंचेगा. अगर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे नहीं पहुंचा कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अगेन वी विल से लाइक कि किसी ना किसी टाइप की इनफर्टिलिटी है वहाँ पे. ओके सो जब मोटिलिटी लो होगी उसको हम बोल देंगे दिस इज नोन एज एस्थिनोजूस्पर्मिया. एंड लास्ट वन वी हैव, दिस इज टिराटोजूस्पर्मिया. इसमें क्या होता है, स्पर्म्स का जो शेप हो जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. अगर आप लोगों को याद हो तो रिप्रोडक्शन में हमने एक डेटा लिखा था कि भी 60% ऑफ स्पर्म्स के पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप होना चाहिए. एंड इस 60% के 40% के पास क्या होना चाहिए, इसके पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, है ना. अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं देन ओनली वी कैन से दैट कि फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है. यस और नो, तो ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं. तो नंबर और शेप अगर दोनों में गड़बड़ हो जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनके नाम यहाँ पे लिख दिए मैंने. नाउ फीमेल के केस में क्या होता है सर, फीमेल के केस में दो चीज़ें हैं लाइक एनोविलेशन. एनोविलेशन मीन्स व्हाट, ओविलेशन ही नहीं होगा, अगेन इनफर्टिलिटी, गैमेट अवेलेबल नहीं है, फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा. ओलिगो ओविलेशन में, ओलिगो अगेन रेफर्स टू लेस, यहाँ पे डेफिशिएंट ओविलेशन होगा. दैट इज 13 ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ए फीमेल ड्यूरिंग अ ईयर, है ना, एवरेज है. डेफिशिएंट मतलब अब 13 ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो जब भी 13 से लेस हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज ओलिगो ओविलेशन. गेटिंग माई पॉइंट. Okay, so this is all from my side regarding topics like birth control methods, MTP, amniocentesis and infertility. I hope you like the lecture and I hope you understand each and everything. In the next lecture, we'll cover the remaining part of reproductive health. In the meantime, please don't forget to share this video with your friends. Till then, take care, bye-bye and have a nice day.